दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार हो या दिल्ली सरकार के कार्यकर्ता हो, ज़मीनी स्तर पर हर घर के अंदर और हर गली मोहल्ले के अंदर काम कर रहे हैं। सैनिटाइज के साथ साथ अभी पिछले दिनों कोरोना का कार्यकाल गया, उसमें तो किया ही किया। अब जैसे डेंगू और चिकनगुनिया की मार चल रही है तो घर घर जाके फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं। निगम की अगर हम बात करें तो उनका कभी नज़र आता है काम तो कभी नहीं नज़र आता है, मगर कमर कसी हुई है आम आदमी पार्टी वालों ने, बिल्कुल कोई नहीं छूट रहा है। हमारे बीच में रामनगर वार्ड की अगर हम बात करें तो वार्ड अध्यक्ष महावीर जी हैं, और रोहताश नगर की अगर हम बात करें तो वरुण अग्रवाल साहब हैं, घर घर जाके फॉगिंग कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा क्या मिल रहा है? राहुल भाई, भारत टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो फॉगिंग की जो आपने बात कही कि देखिए कोविड का टाइम चल रहा है जी, है ना, तो ये एक मुख्य जिम्मेदारी एमसीडी की है कि भाई क्षेत्र में साफ़ सफाई रखें और मच्छरों के बचाव के लिए फॉगिंग और नालियों में दवा का छिड़काव करें जी। पर अब हम देख रहे हैं कि सितंबर भी बीत गया, अक्टूबर शुरू होने वाला है, अभी तक फॉगिंग का कहीं नामो निशान क्षेत्र में कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नालियों में ना ही कहीं छिड़काव है और लोग मच्छरों से बेहाल परेशान है। मच्छर ही मच्छर है, मच्छर ही मच्छर हर घर में। सर जब क्षेत्र में दवाई छिड़काव हो ही नहीं रही है, मच्छर तो हर मौसम में आते हैं, पर दवाई जब छिड़काव हो ही नहीं रही है, आप दवाई के नाम पे 90 करोड़ रुपए डकार गए हैं, तो अब जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो उसको देखते हुए ऐसे में सवाल ये उठता है कि मलेरिया विभाग नगर निगम का कहाँ सोया हुआ? बिल्कुल सर, मलेरिया विभाग से हमने जैसे लेटर लगाया कुछ कि भाई यहाँ पे दवाई, उनका साफ कहना है कि सर हमें पीछे से दवाई की सप्लाई नहीं मिल रही, हम किस बेस पे करें, हम तो लाचार हो चुके हैं, है ना। विभाग ने हमें पंगू बना दिया हमारे, है ना? सुन रही है जनता के स्पष्ट रूप से वार्ड अध्यक्ष मौजूदा पद पर हैं, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि दवा नहीं मिल रही है नगर निगम के मलेरिया विभाग। बिल्कुल सर, तो वो लोग तो बिल्कुल उसी, वो भी लाचार हैं बेचारे, हताश हैं कि भाई करें तो करें क्या, क्योंकि पब्लिक उनके दरवाजे पे आती है। विधायक जी तो चैन की नींद फरमा रहे हैं, तो विधायक जी या पार्षद जी के पास तो पब्लिक आती है, निराश होकर लौटती है, थक हार के वो लोग कबूल नगर ऑफिस में जाते हैं या आसपास के ऑफिसों में, वहाँ पे भी वो लोग ना चाह रहे कि दवाइयाँ हैं नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में और बहन सरिता सिंह जी के दिशा निर्देशन में हमारी पूरी रोहताश नगर विधानसभा के सभी वार्ड अध्यक्षों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि हम घर घर जाके फॉगिंग कराएंगे, एक भी घर ना छूटे। अभी ये लोग कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले करा रहे थे, तो मैंने देखा गली में एक गाड़ी घुसती है और सर्राटे की स्पीड से वो करती हुई चली जाती है, ना तो किसी घर में पहुँच रही हो दवाई, ना कहीं गेट खोलने, ना ही कोई अनाउंसमेंट, सीधे वो एक दिखावे के नाम पर एक धुआं छिड़का जा रहा है, ना ही उसमें दवाई तक भी नहीं है। जब पूछा गया तो हमारी धुआं है, दवा नहीं, दवा नहीं है उसमें। तो अब हमारी टीम छोटी मशीनों को लेके घर जा रही है। तो आम आदमी पार्टी पे धुआं भी है और दवा भी है। सर आम आदमी पार्टी, मैं हर बार कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी एक जरूर बनी है, पर इसका मेन संकल्प और मेन इसका फर्ज जो है ना, वो जनता की सेवा में, कार्यकर्ता सारे जनता की सेवा करने में विश्वास करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दिखावे की कोई राजनीति है ही नहीं। हम लोगों ने छोटी मशीन ली है ताकि हम घर के अंदर तक पहुँच सके, एक एक घर में जाके। आप जाइएगा चंद्रलोक वार्ड में, है ना, जगजीवन नगर में, भगवानपुर खेड़े में, रामनगर में, रोहताश नगर, शिवाजी पार्क, ये एरिया हम कर चुके हैं। आप कोई एक सिंगल गली ऐसी कहिएगा कि वहाँ पे क्या आम आदमी पार्टी की टीम ने फॉगिंग करी है। लगभग वार्ड की अगर हम बात करें, कितना वार्ड आप कवर कर चुके हैं? अपना मैं अपना वार्ड, जैसे अभी हमने पिछले 15 दिन से करीब ये अभियान चल रहा है, तो हमारा करीब 55 से 60% वार्ड कवर हो चुका है और ये ऐसा हुआ है कि आप जब क्षेत्रवाइज कहें, चंद्रलोक के आप किसी एक सिंगल घर में जाके पूछ लीजिए कि फॉगिंग हुई है या नहीं हुई है और घर के अंदर तक हुई है कि नहीं हुई है। तो पूरी टीम, क्षेत्र की पूरी टीम, कार्यकर्ताओं की पूरी टीम लगी हुई है। आज भी हमारा भगवानपुर खेड़े मंडल पे प्रोग्राम है, शाम को 4 बजे से, आप कवर भी कीजिएगा उसको, है ना। तो ये दिखावे की राजनीति नहीं है, साफ तौर पर काम करने की इच्छा शक्ति है और संकल्प है एक, जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ टीम जुड़ी हुई है, उनका संकल्प है कि हर घर तक हमारे को पहुँचना है और हर घर तक डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना है और दवा का छिड़काव भी साथ साथ करना है। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी पिछले कुछ वर्षों से हर रविवार को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट नाम से एक प्रोग्राम चला रही है, जिसका भी मेन लक्ष्य यही है कि भाई डेंगू और मलेरिया जो पनप रहा है, और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा होने की आशंका थी, इस साल भी एक एडवाइजरी जो डॉक्टरों की टीम ने जारी करी है कि बहुत ज़्यादा फैल सकता है और देख भी रहे हैं हम कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं, अलर्ट मोड पे दिल्ली है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस प्रोग्राम को देखते हुए भी आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सिर्फ 10 मिनट, ये तो प्रोग्राम का नाम है कि हर हफ्ते, हर रविवार सुबह, आप हफ्ते में किसी भी दिन 10 मिनट के लिए अपने घर के लिए घर में जो भी बर्तन है या छतों में टंकियाँ हैं उनको आप ज़रूर चेक करें, या टायर कुछ भी है जहाँ पे पानी इकट्ठे होने की संभावना है उन एरियाओं को चेक करें, और अगर कहीं भी पानी जमा है तो उसको आप तुरंत बदलें। डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में भी पनपता है, साफ पानी में ही पनपता है, और उस अगर उसको 7 दिन के अंदर अगर वो पनप 7 दिन है उसकी एक टाइम लिमिट पनपने की, अगर उसको 7 दिन के अंदर हम पानी को बदल दें या उसको हटा दें वहाँ से तो ये निश्चित है कि भाई डेंगू और मलेरिया के पनपने की संभावना बिल्कुल जीरो या बहुत ही नेग्लिजिबल रह जाती है। महावीर जी आप क्या कहना चाहेंगे, लगभग कितना एरिया आप लोग कवर कर चुके हैं अपने वार्ड का? रामनगर वार्ड का लगभग 70 से 75% के आसपास, 80% तकरीबन मान के चलो, और सभी जगह हम पहुंच चुके हैं और फॉगिंग का काम सारा सुचारू रूप से कर भी रहे हैं। और राहुल जी सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी आपने वरुण भैया से बात करी, और जहाँ तक मच्छर का सवाल है, बात आई थी सवाल मच्छर डेंगू मलेरिया का, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हम 70 सालों से मच्छर पे ही खड़े हैं। जी सही बात है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये कि हम 70 सालों में जब से हम आज़ाद हुए हैं हम मच्छर पे ही खड़े हैं आज तक। एक तरफ तो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम मंगल पे पहुंच गए, मच्छर ही नहीं खत्म हुआ हमारे से। जी। अभी जो बातचीत वरुण भैया ने की, तो बात यह है कि केजरीवाल जो सरकार काम कर रही है, केजरीवाल जो आया था वो कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नहीं आया था, वो बुनियादी ढांचों को मतलब छूने के लिए आया था, बदलने के लिए आया था, जो बुनियादी सुविधाएं उनको देने के लिए। देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जिन पे आज तक राजनीति के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। हम सब प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो हमारी IAS IPS लॉबी है आज 80 के बैच की 82 के बैच की 85 के बैच की, वो सब प्राइमरी से पढ़ी हुई है। ये प्रधानमंत्री जो बैठा है ये भी प्राइमरी से पढ़ा हुआ है, जो मिनिस्टर बैठे हैं वो भी प्राइमरी से पढ़े हुए हैं। केजरीवाल ने आने के बाद में इन चीज़ों को, मूलभूत सुविधाओं को जो जनमानस को आवश्यकता है, जो उसके जीवन का हिस्सा है, उसको छुआ है, उसमें बदलाव किया है, उसमें परिवर्तन किया। हाँ महावीर जी आप तो उस वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं जहाँ पर जोन चेयरमैन रहते हैं। नहीं, जोन चेयरमैन की छोड़ो, गृह मंत्री भी हो जाए, जब भी ऐसी रहेगा, नीयत होनी चाहिए ना, नीयत करने की होगी ना तो एक समाज सेवा जो राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा वो भी कार्य करेगा। कोई मलेरिया वाला नहीं आता, कोई फॉगिंग वाला नहीं। विभाग में दवाई की कमी है, विभाग में लोगों की कमी है, डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हो रही पिछले 28-30 साल से, और जो बैठे हैं उनके पास में करने के कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक शासन सतर्क नहीं होगा प्रशासन काम नहीं करता। वरुण भाई ने कहा कि धुआं रह गया है, उसके अंदर माल भी नहीं है। मैं तो उनका एहसान मानता हूँ, अगर वो धुआं भी छिड़क दे तो कम से कम अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा दें। आज जो हम कर रहे हैं वो दवाई युक्त कर रहे हैं, डीजल युक्त कर रहे हैं, दवाई डाल के कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि उस मच्छर को जड़ से ख़त्म किया जाए। ये हमारे मुख्यमंत्री का प्रयास है। 10 हफ्ते 10 मिनट 10 बजे का जो कार्यक्रम वो लगभग सफल रहा। डेंगू के जिस तरह से पीछे केस आते रहे और एक तरह से महामारी का भी रूप ले लिया था, जब से हमारी सरकार आई है उसमें बहुत गिरावट आई है। मच्छरों की अगर हम बात करें, आज घर घर के अंदर ऑल आउट तो जल ही रही है, लेकिन रैकेट भी पहुंच चुका है। कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं, आम जनमानस की तो मजबूरी है, वो तो कुछ ना कुछ अपने रास्ते ढूंढेगा ही। आम जनता परेशान है और परेशानी को हल करने के लिए अपने स्तर पर ढूंढेगा। जब शासन के कानों में डांट लग चुकी है, वो बहरे हो गए, अंधे हो गए, तो मतलब जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा ना, क्योंकि मच्छरों को मारने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। रैकेट, मच्छरों को जड़ से ही खत्म किया जाए, सही मायना तो ये है। जो भी सरकार बैठी है 15 सालों से ये MCD में बैठे हैं, इन्हें कोई ब्लूप्रिंट तैयार करा इस तरह का कि इस मच्छर को ही जड़ से खत्म किया जाए, इसकी समस्या का समाधान किया जाए। जैसे शिक्षा में पिछड़े हुए थे, केजरीवाल ने ढांचे को ही बदल दिया। स्वास्थ्य में पिछड़े हुए थे, केजरीवाल ने उस ढांचे को ही बदला। रोज रोना रहता था कि जी सर लाइन लग रही है, दवाई नहीं मिल रही, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा। आज 2,08,000 बच्चों का एडमिशन प्राइवेट सेक्टर से निकाल के सरकारी में कर रहे हैं लोग। और अब सितंबर चल रहा है, अभी तक भी मैं कह रहा हूँ कि अभी तक भी लोग हमारे पास आ रहे हैं कि भाई एक एडमिशन हमारा करा दो। तो मच्छर कि जहाँ तक जिक्र करते हैं तो मैं तो शर्मिंदगी महसूस करता हूँ इस बात पे कि इस बात पे तो सवाल ही नहीं आना चाहिए था। जी। लेकिन आपने सवाल उठाया जनता की हम जो नस को देख रहे हैं। उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो यहाँ तो नाली सड़क और मच्छर मच्छर ही रह गया है। नहीं, इसमें जो सांसद हैं, बात हम करते हैं अमरीका, फ्रांस, इटली, जापान चंद्रमा पे पहुंच चुके, मंगल पे पहुंच चुके और दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। चाइना से लड़ने की बात करते हैं, चाइना का सामान घर में आ गया। मच्छर का भी नाश चाइना ही कर रहा है, वो चाइना वाला ही रैकेट है। देखिए ये तो बहानेबाजी वाली बात है, मतलब किसी पे डाल देना। अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा और कर दी हेल्थ कार्ड की। आयुष्मान अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी आयुष्मान दिया था अभी, तो अब हेल्थ की क्या जरूरत पड़गी, उससे इलाज तो उससे हो रहे थे। महावीर जी आपने हेल्थ कार्ड की जिक्र छेड़ ही दिया, क्या ये हेल्थ कार्ड फोर्टिस, मैक्स, बालाजी इन सब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चलेगा या नहीं? मैं तो कह रहा हूँ सरकारी में चल जाए वही बहुत है जी। सरकारी तो वैसे फ्री, वो तो मतलब शो करना चाहते हैं ना। जब आयुष्मान भारत को दिया गया था तो क्या कहा गया था, 5 लाख तक का इंश्योर्ड है आप। और जब हमारी सरकार ने उस बात को काउंटर किया कि भाई हम 5 लाख को छोड़ के हम तो अनलिमिटेड कर रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, तो वो खत्म होगी कहानी। अब एक नया सबगुड़ा छोड़ दिया इनके पास ने, झुंझुना है सरकार के पास और कुछ नहीं है। और पता नहीं ऐसे नए शब्द ढूंढ के लाते हैं और इतना बढ़िया तरीके से बोलते हैं, उसको पेश इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। गुमराह करने में मुझे लगे कि अवार्ड इनको मिल जाना चाहिए अब तक, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं रियलिटी और दिल की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं कर रहा। इस पार्टी ने और ख़ास तौर से इसके मुखिया ने, मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है, देश को गुमराह किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये थे हमारे बीच में दोनों वार्ड अध्यक्ष जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम मच्छर पे अटके हुए हैं। 2021 की बात कर रहे हैं, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन ये मच्छर ही नहीं का इलाज हो पा रहा। फैसला आपने करना है कि 2022 में इलाज पार्टी का होगा या इस मच्छर का होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।